नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं और आपको बताते हैं, लेकर चलते हैं हमारे YouTube स्टूडियो जो होता है उसके डैशबोर्ड पर। यहाँ पर दोस्तों मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये देखिए एक मैसेज आया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है वीडियो रिसीव्ड अ कॉपीराइट क्लेम। दोस्तों, अगर आपके वीडियो पर कोई कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो उसके साथ कैसे डील करना है, कैसे प्रोसेस करना है, क्या ज़रूरी काम है जो हमें करने होते हैं, उसको समझने होते हैं, ये सभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके पास में जो टैब है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये वह वीडियो है, और जहाँ पर अभी मैंने इसको बंद कर दिया है क्योंकि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना था। यहाँ देखिए रिस्ट्रिक्शन में लिखा है कॉपीराइट क्लेम और ये इनएलिजिबल है। अब आप जो है, जब आपको यहाँ मैसेज आ जाता है तो आप व्यू ऑप्शन पर जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों, तो एक पॉपअप विंडो ओपन होगा जिसमें जो वीडियो था लोक सेवा केंद्र पोर्टल पर अकाउंट कैसे बनाएं, उसके अंदर कुछ ऐसा, ये जो आप देख रहे हैं कोई म्यूज़िक 3.07 मिनट से 18 सेकंड, ये सिर्फ जो हम कह सकते हैं 7 और 7 10 11 सेकंड का जो यहाँ पर लगाया गया है कॉपीराइट, आप देख सकते हैं। चैनल को इससे कोई असर नहीं पड़ना है, यहाँ लिखा हुआ है नॉट अफेक्टेड। प्राइवेट अभी हमने इसको कर रखा है। ये इन एलिजिबल क्यों है उसका भी कारण है, वीडियो कैन नॉट बी मोनिटाइज्ड। यहाँ पर आप बहुत सारे इसके जो रूल्स नियम है वो पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है हमें करना क्या है, यहाँ लिखा है वीडियो आपका मोनिटाइज नहीं होगा क्योंकि दो कंटेंट आईडी क्लेम ऑन योर वीडियो डजंट अफेक्ट योर चैनल, दिस इज नॉट अ कॉपीराइट स्ट्राइक। अब दोस्तों हमें समझना होगा कि कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक में अंतर क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक कब आती है, क्लेम कब आता है। इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको इस वीडियो में ये देखिए दोस्तों, आप ये जो सेक्शन देख रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल टाइप का फेस, यही वो एरिया है जहाँ पर आप ये जो कॉपीराइट क्लेम लगाया गया है इतने सेक्शन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है, आप देखिए इस डिस्प्यूट को यहीं ख़त्म कर सकते हैं, डू यू हैव राइट टू दिस कंटेंट। आप यहाँ पर डिस्प्यूट पर जाने के बाद फिर से इसको प्रोसेस कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि ये जो कॉपीराइट क्लेम आया है ये जेन्युइन नहीं है, और कभी कभी फेक जो कॉपीराइट क्लेम लगा दिए जाते हैं वह भी होता है। आप ट्रिम कर सकते हैं दोस्तों उस सेगमेंट को, इतने सेगमेंट को आप काट सकते हैं, यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ अगर कोई सॉन्ग लगा था तो आप उसको जो है रिप्लेस कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, मान लीजिए इतना पार्ट चलेगा और इतना पार्ट जो है म्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तीनों ही प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर अभी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जैसे ही मैं ये करूँगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेंगी। आप देख सकते हैं हम म्यूट सॉन्ग पर हम क्लिक भी कर देते हैं, तो देखिए अब ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ये इसको म्यूट करने का काम करेगा। यहाँ पर आप इसको चला कर देख सकते हैं, प्रीव्यू उसका देख सकते हैं, और आप यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देंगे तो ये इस सेक्शन को, इतने एरिया को जो है यहां से म्यूट करने वाला है। तो दोस्तों इनको जो है आप इन ऑप्शंस के तहत हटा सकते हैं, आप उतने सेक्शन को काट सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं गाने को, म्यूट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो उस व्यक्ति को जाएगा जिसने ये कॉपीराइट क्लेम किया है, जिसने ये कॉपीराइट लगाया है, उसके पास जो है डायरेक्ट ये आपके मोनेटाइजेशन का पैसा जाता है। तो दोस्तों ये आपको किस तरीके से डील करना है, डिसाइड करना है, ये मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दिया है। आप इस वीडियो के माध्यम से जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं या जो वीडियो को प्रोसेस करते हैं वो देख सकते हैं कि कॉपीराइट क्लेम किस तरीके से आता है, कैसे आप जो है देखिए यहाँ पर मोनेटाइजेशन इसका बंद हो गया है, ये जो रेड डॉलर का क्रॉस साइन है ये दिस वीडियो कैन नॉट बी मोनेटाइज्ड कॉपीराइट क्लेम है। और आप क्लेम को देखने के लिए एनालिटिक्स में जाएँ, एनालिटिक्स में जाने के बाद आपको ये पूरी तरीके से डिटेल में जो है बता दिया जाता है कि ये क्लेम क्यों आया और क्लेम आने का कारण क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये जो इसके व्यू और आवर सब्सक्राइबर्स ये सभी इसमें दे रखे हैं, ये इसका सर्च का ऑप्शन है, और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों ये इनएलिजिबल फॉर्म में आ गया है, ये बंद हो गया है क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है द ओनर अलाउज द कंटेंट टू बी यूज्ड बट यू कांट मोनेटाइज योर वीडियो, ये यूज़ करने के लिए दे दिया गया है जो ओनर है उस पर्टिकुलर म्यूज़िक का, लेकिन हम इसको जो है मोनेटाइज नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो समझ आया होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, उन्हें भी बताइए किस तरीके से कॉपीराइट क्लेम से हमें डील करना होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।